हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पर्म काउंट तो ठीक होता है पर कई बार स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही कम होती है। उस वजह से भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही मुश्किल आती है। ऑलमोस्टली सबका क्वेश्चन यही होता है कि हम स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे बढ़ाएं, ऐसे क्या घरेलू नुस्खे यूज करें जिससे हमारी स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए और प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हमारे स्पर्म काउंट प्रॉपरली होते हैं और मोटिलिटी कम होती है तो क्या होता है कि यूट्रस से होकर जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, अगर उनकी स्पर्म की मोटिलिटी अगर वीक होगी, कम होगी, तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और उस वजह से हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो इसके घरेलू नुस्खे क्या हैं, आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना होगा, जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट ही हमारे स्पर्म की मोटिलिटी पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हम डाइट अच्छी खा रहे हैं तो ही हमारी स्पर्म मोटिलिटी अच्छी बनेगी और स्पर्म काउंट भी उतने ही अच्छे होंगे और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो हमें रूटीन में अच्छी डाइट को शामिल करना है। तो हम डाइट में क्या ले सकते हैं, ऑल ग्रीन सब सारे ले सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, कि जे हरी सब्जियां हो गई, क्योंकि अब विंटर का टाइम है तो हमें बहुत सारी सब्जियों के ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि बहुत कम सब्जियां आती है तो इसलिए इतने ऑप्शन नहीं मिल पाते, पर विंटर में हमें काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम सारी ऑल जो ग्रीनरी सब्जियां हैं वो सारी यूज कर सकते हैं, और जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनकी हम रोटी भी बना के खा सकते हैं, या जिसे मिलेट्स बोलते हैं कि ये साबुत अनाज जिसको होता है वो भी हम खा सकते हैं, वो भी हमारी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और हम क्या ले सकते हैं, और हम जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, वो भी अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने सुबह या शाम को एक एक चम्मच उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, या हम जो रोटी बना रहे हैं उसके अंदर भी उसको शामिल कर सकते हैं। तो हम फ्लैक्स सीड का भी रूटीन में यूज कर सकते हैं। और हमें फ्रूट्स में क्या लेना है, आपको हमेशा फ्रेश फ्रूट लेने हैं, क्योंकि फ्रूट क्या होते हैं, जब ताजा होंगे तो वो उतने ही ज्यादा असरदार होते हैं। कई बार होता है कि हम 4-5 दिनों के बासी फ्रूट्स खा रहे हैं या उनका जूस पी रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। हो सके तो आप ताजे फलों का ही जूस निकाल कर पिए, अगर जूस पीना है तो आपको, नहीं तो ताजा फल खाइए। तो उसमें आप फलों के अंदर क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी किसी भी तरह के हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, रेड हो, किसी भी तरह की स्ट्रॉबेरी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपके स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और बाकी आते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हम क्या ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं और खजूर का भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है और उसके काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। और साथ में इससे क्या होता है कि आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाती है। क्योंकि जब स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होगी तभी हमें इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, नहीं तो कई बार होता है कि वोमेंस के अंदर कोई भी इश्यूज नहीं होते और हम सोचते रहते हैं कि हमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तो हम अपने हस्बैंड का टेस्ट ही नहीं कराते, उस वजह से भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अगर आप में अगर किसी भी वोमेंस को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है तो अपने हस्बैंड के एक बार टेस्ट करवाइए। भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप टेस्ट करवाइए तो उससे पता चल जाएगा कि स्पर्म की मोटिलिटी और काउंटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है उनकी वीक आ रही है तो प्लीज आप ये फॉलो करना स्टार्ट कीजिए तो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और आप अपनी रूटीन लाइफ में क्या शामिल कर सकते हो, जैसे नारियल हो गया, नारियल पानी भी पी सकते हो, कच्चे नारियल का भी यूज कर सकते हो। और अपनी रूटीन लाइफ में आप जैसे दाल तो हमेशा खाते ही हो, पर कुछ दालें ऐसी होती है जो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, जैसे बीन्स वाली जो भी दाल आती है वो आप यूज कर सकते हो, उड़द वाली दाल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, तो आपको उसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। फिर बात आती है कि हमें किन किन
इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको रूटीन में इन सब चीजों का तो पता ही होता है कि फास्ट फूड हमें कम खाने चाहिए, जंक फूड्स हो गए इनका कम यूज करना चाहिए, जो ऑयली चीजें हो गई उनका कम यूज करना चाहिए। जैसे खासकर हम मैदे से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसको हमें कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ही एक बार के लिए बंद कर देना चाहिए। और जो ड्रिंक और जिनको बैड हैबिट की प्रॉब्लम होती है, जैसे अल्कोहल जो करते होते हैं, तंबाकू का ज्यादा यूज करते होते हैं, तो एक बार प्लीज वो भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी एक बार कंसीव हो गई, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी हो गई, तो उसके बाद आपको जो भी रूटीन में करना है आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज एक बार के लिए आप ये सब चीजें बंद कर दीजिए। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको वेट लॉस भी करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर वेट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से भी स्पर्म की मोटिलिटी डाउन चली जाती है। तो हमें अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी हाइट होती है उतना ही हमें वेट रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि हमें कितना वेट रखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। 2-3 kg ऊपर नीचे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर रूटीन में उतना ही होना चाहिए, तो ये आपकी स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होगी। क्योंकि आप हेल्दी खाना खाओगे तो स्पर्म की मोटिलिटी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। और जैसे कि मोबाइल का हम पॉकेट में जो नीचे वाली पॉकेट है उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मेंस का तो खासकर होता है कि उसी पॉकेट में रखते हैं, तो प्लीज आप उस मोबाइल की हैबिट को भी चेंज करना होगा कि आपको जो मोबाइल आप पॉकेट में नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं तो कोशिश करिए कि आप उस पॉकेट में अपना मोबाइल ना रखें, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। हम रखने को तो हम ऊपर वाली जेब में अगर रखते हैं मोबाइल को तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर नीचे वाली पॉकेट में भी रखते हैं तो वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, उसकी रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। और आप डेली रूटीन में क्या शामिल कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज आपको रूटीन में शामिल करनी है, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ये नहीं है कि ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करनी है, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, 15-20 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। और आपको हेल्दी फूड के बारे में मैंने बता दिया कि हेल्दी फूड खाना ही है। और अगर आपको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है कि नींद अच्छे से नहीं आती है तो उस वजह से भी क्या होते हैं, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रॉपरली तरह से काम नहीं करते, उस वजह से भी हमें स्पर्म मोटिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें नींद भी प्रॉपर लेनी है। भी आपको नींद नहीं आ रही किसी भी रीजन की वजह से तो उसके लिए भी कुछ नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे हेड मसाज ले सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार ऑयल से मसाज कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हम करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये रूटीन में ये सब चीजें आप अगर शामिल कर लेते हो तो 1 month के अंदर अंदर आपकी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो काफी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी, काफी हद तक क्या कि प्रॉपरली बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो वोमेन्स को इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वो इजिली से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।